कुछ कह रहे थे। क्या आप ये मानते हैं कि दुख सत्य है? क्या आप ये भी मानते हैं कि दुख के कारण भी है? हाँ, यदि कारण है तो दुख तो रहेगा, और यदि कारण ही समाप्त हो जाए तो दुख भी लुप्त हो जाएगा, जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधेरा। आप सुनी सुनाई बातें नहीं कहते, अपने गहन अनुभव के आधार पर कहते हैं। आप धर्म और सिद्धांत की नहीं, देखी हुई बातें कहते हैं। आपने कहा कि मुक्ति का मार्ग है अपने विवेक को जगाना और गूढ़ ध्यान में लिप्त हो जाना, जिससे मनुष्य स्वयं को और इस संसार को भली भांति समझ सकता है। परंतु एक प्रश्न है, ये जो सारी विधियां हैं, रीतियां हैं, पूजा पाठ हैं, क्या ये सब व्यर्थ हैं? यदि कोई व्यक्ति इस नदी के दूसरे किनारे पर जाना चाहे तो वो क्या करे? यदि जल गहरा नहीं है तो वो चलकर जा सकता है, और यदि जल गहरा है तो वो नाव की सहायता से जा सकता है या स्वयं तैर कर जा सकता है। यदि वो चलना ना चाहे और ना ही तैरने को तैयार हो और ना ही नाव ले जाने को तैयार, और वो कहे कि मैं प्रार्थना करता हूं इस नदी का दूसरा किनारा स्वयं चलकर मेरे पास आ जाए, तब तो ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहेंगे, महामूर्ख। इसी प्रकार यदि व्यक्ति अज्ञान और भ्रांति को अपने विवेक से मिटाएगा नहीं तो परम आनंद और मुक्ति के दूसरे छोर पर कैसे पहुंच पाएगा? चाहे वो पूजा करे या अनुष्ठान, या व्रत करे या किसी नीति पर चले, वो इस किनारे ही रहेगा। हमने सारे शास्त्रों को पढ़ा, उन पर व्याख्या की, परंतु जीवन के इतने जटिल सत्य को इतनी सरलता से किसी ने नहीं समझाया, किसी ने नहीं समझाया। आप इस भटकती मानवता को परम ज्ञान का मार्ग दिखाएंगे। आप करुणा के सागर हो, हे बुद्ध, आप हमें अपना अनुयायी स्वीकार करें। शरणं गच्छामि।